हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक्स कैसे शुरू हुआ था, उसके अंदर क्या क्या बहुत ही इजी से कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में। पहला हमारा कंसेप्ट आता है इकोनॉमी के बारे में। हमने हमेशा सुना है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने सुना हुआ है, यूएस इकोनॉमी के बारे में सुना हुआ है। हर कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, तो बेसिकली इकोनॉमी होता क्या है उसको आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहला हमारा कंसेप्ट जो है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मींस टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम पीपल को प्रोवाइड करते हैं मींस टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। अब इकोनॉमी, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी, इसके अंदर प्रोडक्शन भी होती है, कंजम्पशन भी होती है, बायर्स भी है, कंज्यूमर्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, एम्प्लॉयर्स भी हैं। तो हर बंदे का अपना अपना रोल है, वो उस तरह से अपनी इस हमारी कंट्री में वर्क करता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम प्रोवाइड करते हैं, लोगों को हम क्या करते हैं, मीन्स टू वर्क। यहाँ पर हमारी कंट्री में कुछ लोग काम भी करते हैं और काम के साथ साथ हम उन्हें अर्न देयर लिविंग, तो उस तरह से हम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमें जैसे पता है, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास, अगर हमारे कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, हम किसी एम्प्लॉय को अगर हम अपनी कंपनी में रख रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारा एम्प्लॉय है। हम अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी में रख रहे हैं तो हम एम्प्लॉयर हैं। उसी तरह से अगर हमारी कंट्री में कोई भी गुड्स परचेज करने आता है तो हम उसको बायर बोलते हैं, कोई गुड्स सेल करता है तो उसको हम सेलर बोलते हैं। तो अलग अलग फंक्शंस रहता है हर बंदे का, किसी का बाइंग में, किसी का सेलिंग में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, प्रोडक्शन करता है तो वो सेलर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो सेलर प्रोड्यूसर्स हो गया। तो हर चीज़ का अलग अलग रोल रहता है। उसी तरह से अगर हम इकोनॉमी, तो इन सबको, इन सारे एस्पेक्ट्स को मिलाकर जो मेन कंसेप्ट बनता है, ये सारे वर्क कहाँ कर रहे हैं, एक कंट्री के अंदर। एक कंट्री, जो पूरी कंट्री की हम बात करेंगे तो उसे हम इकोनॉमी बोलेंगे। तो इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम प्रोवाइड करते हैं पीपल को मींस टू वर्क, जहां पर लोग काम करते हैं और अपनी लिविंग अपना अर्न करते हैं, अपनी लिविंग अपने जिंदगी जीने के लिए। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको पढ़ेंगे कि इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मींस टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी के अंदर बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। हम मेजर जो तीन फंक्शन रहेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? अब अगर हमारी कंट्री में कोई भी काम कर रहा है, कोई कंट्री जो, कोई कंपनी या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अगर हम बात करें, तो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम किसी से लेमैन लैंग्वेज में पूछे कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो वो क्या कहेगा? अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन हो गई। नहीं, ये गलत है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अगर कंट्री, हमारी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, अब सपोज कीजिए हम आटा, अगर हम आटे की बात करें तो हम आटा को यूज करते हैं, आटे से हमारी ब्रेड बनती है, आटे से ही बनती है हमारी ब्रेड। तो प्रोडक्शन में क्या हो गया? आटा और ब्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है हमारा रॉ मटेरियल, ये है हमारा फिनिश्ड गुड्स। कैसे? रॉ मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, मतलब आटे को हमने यूज करा ब्रेड बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल जो है, आटा जो है वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया और जो ब्रेड है वो हमारा फिनिश गुड हो गया। तो आटे को हमने यूज करा ब्रेड बनाने के लिए, तो एक रॉ मटेरियल को हमने क्या यूज करा, एक फिनिश गुड बनाने के लिए। तो ये जो प्रोड्यूस किया हमने, आटे से ब्रेड प्रोड्यूस करी, दैट इज प्रोडक्शन। जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, उससे हम एक फाइनल गुड बनाएंगे, एक फिनिश गुड बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें कंजम्पशन की। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन में हम ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई गुड, कोई कंज्यूमर गुड्स को परचेज कर रहा है तो वो कंजम्पशन हो गई। नहीं, इसमें हम ये बोलेंगे अगर कोई कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। किसी भी पर्सन ने गुड्स को परचेज किया, उससे अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा किया, उससे उसको पूरी सेटिस्फैक्शन मिली, तो हम उसे बोलेंगे कंजम्पशन।
उसके पास लिमिटेड इनकम रहती है और अनलिमिटेड वांट्स रहती है, तो उस लिमिटेड इनकम से वो अपनी कंजम्पशंस को, अपनी सेटिस्फेक्शन को किस तरह से वो पूरा करेगा, उसको कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे कंजम्पशन में, कि उसने उस लिमिटेड पैसे से अपनी इच्छाएं, अपनी कंजम्पशन किस तरह से फुलफिल करी। फिर हम नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे, अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी अलग अलग सेक्शंस में, हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो रिच, कुछ रिच सेक्शंस हैं, पुअर सेक्शंस हैं और मिडिल क्लास सेक्शंस हैं। तो रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास सेक्शन, इन तीन सेक्शंस में किस तरह से हमारी इनकम, किस तरह से जो भी प्रोडक्शन हो रही है हमारी कंट्री में, उसको हम बोलेंगे जीडीपी। जीडीपी हमें पता है कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे एक साल में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे जीडीपी। तो जीडीपी में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिच में, पुअर में और मिडिल क्लास में, ये तीन सेक्शन में हमने किस तरह से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। मेन एम क्या था डिस्ट्रीब्यूट करने का, इक्वालिटी। इक्वालिटी अचीव करने के लिए हमने किस तरह से गुड्स को प्रोड्यूस किया ताकि हमारी सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रिच का हो, पुअर का हो या मिडिल का हो, हमें तीनों सेक्शंस में इक्वल ही गुड्स को प्रोड्यूस करना था। उसलिए हमारी जो इकोनॉमी थी उसने अलग अलग सेक्शंस में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया, रिच में, पुअर में और मिडिल क्लास में, ताकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीनों सेक्शंस में इक्वल रहे। ये होता है हमारे तीन मेजर प्रोसेस जो हमारी इकोनॉमी में वर्क करते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं इसमें स्कैर्सिटी की। स्कैर्सिटी क्या होता है, स्कैर्सिटी इट इज द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ गुड। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो स्कैर्सिटी मतलब कमी होना, कमी मतलब डेफिशिएंसी, किसी भी चीज की कमी होना हमारी सोसाइटी में, हमारे गुड्स में, हमारे किसी भी चीज की बात करें तो। अगर हम एक आसान सा एग्जांपल लें, सपोज करो कि आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज अगर आपको अपने बर्थडे पे मिले, सपोज कीजिए आपने सोचा कि इस 100 रुपीज से मैं क्या क्या परचेज करूं। अब हमारी विशेष क्या होंगी, हमें पार्टी करनी है, हमें क्लोथ्स भी चाहिए, हमें शूज भी चाहिए, और हमारी जो पूरी लिस्ट रहेगी कि हमें किस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। लेकिन उस 100 रुपीज में हम ये सारी इच्छाएं अपनी पूरी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, इच्छाएं तो हमारी बहुत ज्यादा हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब हो गया मनी, मनी मतलब ये 100 रुपीज जो हमें मिले थे, तो 100 रुपीज जो हमें मिले थे वो तो हमारे पास लिमिटेड थे कि हमारे पास वो 100 ही रहेंगे। उस 100 से हमें जितनी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना था वो सारी फुलफिल नहीं हो पाएंगी, बिकॉज हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स, यही दो मेजर कंसेप्ट हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बताने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनो, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बताने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो हमें जो जो इंपॉर्टेंट लगा अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के परस्पेक्टिव से अगर हम सोचेंगे, जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उस चीज को ही हमने परचेज किया, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई, मेजर प्रॉब्लम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी होना, डेफिशिएंसी होना। स्कैर्सिटी की कमी से हमारी जो मेजर प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है चॉइस की। आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि स्कैर्सिटी होने से क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, तो जो मेन प्रॉब्लम अराइज होगी वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही मेजर प्रॉब्लम है जो हमारी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में अराइज होती है। स्कैर्सिटी इज द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई तो लिमिटेड है, मतलब
लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन रिलेशन टू डिमांड फॉर द गुड. डिमांड जो है वो है हमारी अनलिमिटेड. इसको हम अगर एक फॉर्मूला से देखें आसान समझने के लिए तो वो हो गया सप्लाई इज लेस देन डिमांड. डिमांड जो है वो तो हमारी अनलिमिटेड है, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है. डिमांड अनलिमिटेड है, ठीक है. अब हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब स्कैर्सिटी होने से हमारी इकोनॉमी में मेजर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जैसा कि मैंने बताया स्कैर्सिटी होने से हमारी चॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें सेटिस्फेक्शन करनी होती है अपने अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स की आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. अब हमें चॉइस करना मुश्किल हो गया ना. हमें 100 रुपीज में से पार्टी भी करनी थी, कपड़े भी चाहिए थे, शॉपिंग भी करनी थी, शूज भी चाहिए थे. अब इस 100 में से हमें चॉइस की प्रॉब्लम होगी कि जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी चीज को सिलेक्ट करना है. तो इस 100 में से अगर हमने सिलेक्ट किया, सपोज कीजिए शूज सिलेक्ट किया पर हमें पार्टी भी करनी थी, लेकिन जो हमारी मेन सेटिस्फेक्शन हमें जिससे मिलेगी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई इसमें क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए थी अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स में से और लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. अब एक ही चीज को हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसको ही सिलेक्ट करेंगे. इस 100 रुपीज में से अगर मुझे कपड़े भी चाहिए और शूज भी चाहिए, मैं इन दोनों में से उसी गुड को सिलेक्ट करूंगी जिस गुड में मेरे को ज्यादा अल्टरनेटिव यूज मिलेगा. कपड़े लेने से अगर वो कपड़े मेरे और जगह काम आएंगे तो मैं सोचूंगी चल मैं कपड़े ही लेती हूँ, ये मेरे यहाँ भी पहनने के काम आएंगे, वहां भी पहनने के काम आएंगे, तो मैं क्लोथ्स लूंगी. अगर मुझे शूज की ज्यादा अल्टरनेटिव यूज मिल रहा है तो मैं शूज लूंगी. तो मेरे को चॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. चॉइस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे जो उन सेटिस्फेक्शन को चॉइस सेलेक्ट करना जो अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें से सिलेक्ट करना उन गुड्स को जो हमें अल्टरनेटिव यूजेस अल्टरनेटिव ज्यादा ऑप्शंस ज्यादा फायदेमंद होंगे. तो ये था हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब बहुत ही इजी कंसेप्ट से इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इकोनॉमी के बारे में. इकोनॉमी के अंदर जो हमारे 3 वाइटल प्रोसेस थे दैट इज प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में पढ़ा. इसके बाद हमने पढ़ा स्कैर्सिटी के बारे में, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने से क्या क्या ऐसी अराइजिंग होंगी, इस तरह के प्रॉब्लम इनसे क्या क्या नुकसान होंगे, इसके आगे क्या हम इसके बाद पढ़ेंगे. तो अब हमने पढ़ लिया है कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, स्कैर्सिटी होने की वजह से हमारी चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. तो ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट थे. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होते हैं जिसके बारे में हम मेन चैप्टर है, मेन इंट्रोडक्शन हमें जिसका पढ़ना है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होते हैं. इकोनॉमिक्स हमने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ा है मेनली सोशल साइंस चैप्टर के अंदर. तो बेसिकली इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये एक पार्ट है सोशल साइंस का जो कि डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ यानी हमारे साथ. तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का पार्ट है जो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ यानी हमारे साथ. हमारे साथ डील करने के बाद जो भी हमारे कंट्री में इकोनॉमी में स्कैर्स रिसोर्सेज है, यहाँ पर रिसोर्सेज मैंने जैसे बताया था रिसोर्सेज क्या है, मनी, जो भी हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में किस किस सेक्शंस में, कंज्यूमर को करता है, प्रोड्यूसर को करता है, सोसाइटी को करता है. जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कंज्यूमर को तो कंज्यूमर को उसके लिए क्या चाहिए, क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन. प्रोड्यूसर को करेगा तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट. सोसाइटी को करेगा तो सोसाइटी को क्या मिलेगा, वेलफेयर. अब हम इसकी डिफाइन समझ लेते हैं. इकोनॉमिक्स जो कि हमारा एक पार्ट है सोशल साइंस का, उसके अंदर वो डील करता है हमारे साथ ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ह्यूमन नेचर के साथ. ह्यूमंस के साथ जो डील होगा वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी के अंदर डील होगा. इकोनॉमी के अंदर कौन है, इंसान, ह्यूमंस, ह्यूमन बिहेवियर. तो इकोनॉमिक्स के अंदर सोशल साइंस के कंसेप्ट के अंदर ये डील करेगा ह्यूमन बिहेवियर यानी हमारे साथ,
हमारे साथ किन चीजों का, कि जो भी हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड बात करेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तीन सेक्शंस में, कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर में एंड सोसाइटी में। कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है मेनली, कंज्यूमर अगर कोई भी गुड्स को बाय करता है तो मेन चीज वो देखता है कि हाँ मुझे उसको पैसा देना है तो उसकी इतनी वर्थ है या नहीं, उससे मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं। तो कंज्यूमर का जो मेन एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा कि मुझे उस गुड से इतनी सेटिस्फेक्शन मिले। फिर आता है हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को मेन मतलब होता है सिर्फ प्रॉफिट से, प्रोड्यूसर को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है, तो प्रोड्यूसर को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरह से कि उसको प्रॉफिट मिले। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में, सोसाइटी का मेन क्या मकसद होता है कि हमें वेलफेयर चाहिए फॉर ऑल नॉट फॉर फ्यू। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का पार्ट है जिसमें हम डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, स्कैर्स रिसोर्सेज को लेकर, ताकि हम उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कंज्यूमर में ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को ताकि उसको प्रॉफिट मिले और सोसाइटी को ताकि उसको वेलफेयर मिले। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमें अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने को आएगी तो हम प्रोड्यूसर या सोसाइटी को नहीं करते, सिर्फ कंज्यूमर के पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं, हमें इसमें ये सारी चीजें लिखनी है, एवरीथिंग वी हैव टू राइट इन आंसर। अब ये हमारे इकोनॉमिक्स की डिफाइन थी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। इकोनॉमिक के अंदर हमारी दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वैसे एक सबको ऐसा लगता है जैसा किसी से भी पूछे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है कि जो हमारे मनी से रिलेटेड होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मनी से रिलेटेड नहीं होती वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नहीं, ही गलत है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी मनी से रिलेटेड होती है, ठीक है, ये अधूरी डेफिनेशन है। मनी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या मिल रहा, हम क्या दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, इनकम जनरेट। तो इसमें क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, मनी से रिलेटेड होगी वो एक्टिविटीज जो मनी से रिलेटेड है, जिसमें हम सर्विस दे रहे हैं और हमें इनकम जनरेट हो रही है। किसी भी चीज के लिए हम सर्विस देंगे और हमें इनकम जनरेट होगी। अब इसमें जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं एक लेबर की, एक लेबर अगर एक घंटे के लिए काम कर रहा है, किसी कंपनी में जा रहा है, किसी भी लैंड पे वर्क करने जा रहा है, तो उसको उसकी पेमेंट मिलेगी। तो उसने क्या करा, उसने सर्विस दी, वहां पे ऑफिस गया, उनके लैंड गया, वहां पर उसने एक घंटा काम किया और उसके बदले उसको इनकम जनरेट हुई, उसको उसकी पर आवर की सैलरी मिल गई। ये ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम सर्विस दे रहे हैं और इन रिटर्न हमें इनकम जनरेट हो रही है, ऐसी एक्टिविटीज को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हम बात करते हैं इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसके लिए हमें सर्विस रेंडर नहीं करनी होती है। जैसे इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज आ गई, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम दान देते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1 रुपए, इस तरह का हम मंदिर में दान देते हैं। तो वहां पर हमारे मनी से रिलेटेड मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रही है, पर हमें वहां कोई भी सर्विस नहीं जनरेट करनी पड़ रही है, इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें उल्टा पैसे, हम वहां पर दान दे रहे हैं, हम वहां पर चैरिटी दे रहे हैं, कोई भी सर्विस हमें वहां पर नहीं जनरेट हुई, कोई भी सर्विस हमें कोई रेंडर नहीं करनी है, ऐसी एक्टिविटीज होगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि सपोज कीजिए घर में हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, घर में हमें पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी एक्टिविटी जो है वो आएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है उनके लिए, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहे हैं लेकिन इन रिटर्न हम उन्हें कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एक फैमिली एक्टिविटी होगी, इस चीज के लिए ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर होगी, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये नहीं आएगी। अगर वही चीज हम कॉलेज, अगर वही पेरेंट्स जो हमें घर पे पढ़ा रहे हैं, अगर वो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाए, वहां पर उन्हें उनकी तरफ से इनकम जनरेट होगी, वो चीज फिर वहां पर आएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इन दोनों में ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस यह है सर्विस रेंडर का, इसमें हम सर्विस देते हैं, इसमें हम सर्विस नहीं देते हैं,
मॉनेटरी टर्म्स में दोनों में ही बात हो रही है, मॉनेटरी टर्म्स से कंफ्यूजन नहीं करना है, बेसिक डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ सर्विस कर, सर्विस रेंडर। इसमें हम सर्विस दे रहे हैं, इसमें हम सर्विस नहीं दे रहे हैं। अगर हम जैसे कुकिंग की बात करें, घर पे मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, तो वो उनकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसके बदले उनको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। लेकिन अगर उसी चीज़ की हम बात करें होटल या रेस्टोरेंट में, जहाँ पर शेफ होते हैं, अगर वहीं पर हमारी मम्मी काम करे, वो वहाँ पर कुकिंग करे, तो उसके बदले वहाँ पर उनको इनकम जनरेट होगी, तब वो चीज़ हमारी आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और क्योंकि वो कुकिंग हमारे घर पर हो रही है, वहाँ पर उन्हें कोई सर्विस रेंडर नहीं हो रही है, कोई इनकम जनरेशन का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए वो एक्टिविटी हमारी आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट से हमारे छोटे छोटे, पहले हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब हमने पढ़ा टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी जो भी अराइज होती हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के होने की वजह से हमारी जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो है चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर्स को नहीं समझ आता कि किस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करें अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब क्योंकि प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब उस चीज़ को अगर हमें फैक्ट्स बेस्ड करना हो तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। ये सब स्टेटमेंट्स में हमें पता है कि हाँ स्कैर्सिटी होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उस चीज़ को अगर हमें फैक्ट बेस्ड प्रूव करना हो अपनी इकोनॉमी में डेटा दिखाकर, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स में। हमारे पास, हमें इकोनॉमिक फैक्ट्स, जो भी हमारे पास फैक्ट्स आएंगे कि इससे ये प्रॉब्लम हुई, स्कैर्सिटी से ये हुआ वो हुआ, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो फैक्ट इकोनॉमिक फैक्ट्स होता है, जिसको हम इकोनॉमिक डेटा भी बोलते हैं। अगर हम एक बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, पॉवर्टी के फैक्ट्स दिखाने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि हमारी पॉवर्टी किस डायरेक्शन में जा रही है। पॉवर्टी को जज करने के लिए हम उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर ले लेंगे, या प्रोडक्टिविटी का फैक्टर ले लेंगे, या बैकवर्डनेस इकोनॉमी का फैक्टर ले लेंगे। तो कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, तभी हम मेन जो फोकस हमारा पॉवर्टी का है उस पर हम निकाल सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहा। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इट डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जहाँ पर हमारी स्टैटिस्टिक्स की बात आएगी वहां पर हमारा न्यूमेरिकल डेटा जरूर होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा। तो इसमें हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करेंगे। जैसे पॉवर्टी की हमने बात करी, तो उसका हमने डेटा कलेक्ट किया था, प्रोडक्टिविटी का या अनएम्प्लॉयमेंट का। तो पहले हमने डेटा कलेक्ट किया इन पैरामीटर्स का, उसको एनालाइज किया कि वो किस ईयर में क्या क्या था पॉवर्टी एनालाइज करने के लिए। उसके बाद हमने उसको इंटरप्रेट किया कि किस ईयर से किस तक हमारा क्या रिजल्ट रहा था, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई फैक्ट बेस्ड, ये प्रूफ के साथ कि किस ईयर क्या था, उसको प्रेजेंट किया जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा था। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, जो पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता है कि कैसे हम पहले कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे एंड फिर हमारा इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो हमारे तीन तरह के फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जाता है। टैबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, डायग्रामेटिक में भी हो सकता है, ग्राफिक में भी हो सकता है, ग्राफ बेस्ड भी हो सकता है। इसमें हमारा कोई टेबल बनाकर दे दिया डेटा पर्टिकुलर ईयर्स का, उस बेस्ड भी हो सकता है, और ग्राफ बेस्ड भी हो सकता है। डायग्राम किसी भी तरह का बनाकर, हमारा ऐसे ऐसे करके भी ट्रेंडिंग डेटा करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें इकोनॉमिक डेटा की। जो भी हमने डेटा सिलेक्ट किया था हमारे स्टैटिस्टिक्स के लिए, हमारे फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए, वो डेटा हमारा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह के हो सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट टू सिंगल और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये जो है एट्रीब्यूट, ये हमारे एक्सप्लेन करता है क्वालिटेटिव डेटा मेनली हमारा
सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का डेटा वो एक्सप्लेन करेगा। जैसे जेंडर की बात करें तो उसमें वो हमारा मेल फीमेल बताएगा, बॉय गर्ल बताएगा, इस तरह के एट्रीब्यूट्स बताएगा हमारा क्वालिटेटिव डेटा में। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये न्यूमेरिकली बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन होगा। सपोज कि 1975 से 1980 या 1990 से 2000 इसके बीच हमारी जो भी प्रोडक्शन थी राइस की वो कितने टन इंक्रीज हुई, या 324.56 से 550.50 हो गई। तो ये एक एग्जैक्ट डेटा देता है कि इस अमाउंट से इस अमाउंट तक बढ़ गई हमारी प्रोडक्शन ऑफ राइस, इतने टन्स बढ़ गई इस ईयर से इस ईयर के बीच में। तो ये जो है ये हमारा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन होगा और ये जो है पूरा एक एग्जैक्ट टर्म बताएगा। ये जो होगा एग्जैक्ट बताता है, ये जो होता है नॉट एग्जैक्ट। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है कि हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो न्यूमेरिकली बेस्ड होगा, जो क्वालिटेटिव डेटा होगा वो न्यूमेरिकली बेस्ड नहीं होगा। प्लस ये हमारा एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा, ये हमारा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएगा। तो ये एक बेसिक से इंट्रोडक्शन थी हमारे स्टैटिस्टिक्स के, क्या होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, क्या होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्या होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में, डेटा कलेक्ट करने के बाद वो हमारा डेटा किस तरह का होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, उन डेटा से आगे किस तरह से रिसर्च होगी, किस तरह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं, किस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेटा जो होता है वो पूरा फॉर्मुलेट किया जाता है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस तरह की कुछ बातें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।